हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। सो वी वर रीडिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ बीहाइव, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक, एंड पार्ट फर्स्ट वाज गोइंग ऑन। इन टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पार्ट ओनली। सो नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट द टाइटल। द टाइटल इटसेल्फ इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। हियर द ऑथर सेज एवरी ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। Now we all wonder and we are confused. Why so? Because we think that how can you listen to sound when you can't hear? आप कैसे जो हैं साउंड सुन सकते हैं जबकि आपकी सुनने की जो एबिलिटी है वो आप में नहीं है। सो दिस इज समथिंग वी विल डिस्कवर, दैट हाउ एवलिन ग्लेनी वॉज एबल टू लिसन टू साउंड ऑल दो शी कुड नॉट हियर। ओके, सो in the first paragraph we have discovered that she wants to be a part of Royal Academy of Music in London. Okay, and she was a teenager at that time, fresh from a Scottish farm. It means that she was from Scotland. Okay, so Evelyn Glennie ka jo loss of hearing hai wo sabse pehle unki mother ko jo hai pata chalta hai, और धीरे धीरे ये बात ग्रेजुअली जो है वो सबके सामने आ जाती है, दैट शी कुडंट बी एबल टू हियर द थिंग्स। ओके, सो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। और एवलिन कहती है कि जब मुझे ये पता चला, यानी कि जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि जो हियरिंग एड्स हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि एवलिन जो है वो क्या है सुन नहीं सकती हैं, तो एवलिन कहती है एक बार के लिए सब कुछ ब्लैक हो चुका था। बट एवलिन जो है वो बिल्कुल भी अपना जो मोरल है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं करती है, डिस्करेज नहीं होती है। और फिर वो मिलती है अपने एक टीचर से जिनका नाम है रॉन फॉक्स, और रॉन फॉक्स जो है वो एवलिन को सिखाते हैं कि किस तरीके से साउंड जो है, उनको ज़रूरी नहीं है कि आप साउंड को सुनने के लिए आपके जो हियरिंग एबिलिटी है वो होनी चाहिए, हम साउंड को फील भी कर सकते हैं और जो म्यूज़िक है वो भी प्ले कर सकते हैं। तो रॉन फॉक्स की मदद से, अपनी रिपीटेड एक्सरसाइज की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से, जो माइंड और बॉडी के कंसंट्रेशन के थ्रू एवलिन जो है इतनी एबल हो जाती है कि वो साउंड और वाइब्रेशंस जो है वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से फील कर पाती है। और उसके बाद में कभी भी एवलिन जो है पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं। यूनाइटेड किंगडम में वो यूथ ऑर्केस्ट्रा जो है, यानी कि एक बैंड है, 16 ईयर की एज से ही उसने ज्वाइन कर लिया था, और फिर जो है उसने म्यूज़िक को भी अपनी लाइफ बना ली थी। देन शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। ओके, और धीरे धीरे जो उसकी ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस थी वो किस्मत वो जो है चेंज होती है सोलो परफॉर्मेंस में। हीरोइक अचीवमेंट वो नहीं मानती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि जितना कुछ भी मैंने अचीव किया है बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क, और वो ये कहती हैं कि इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है कि आप एक डीप होते हुए भी साउंड सुन पाएँ, ये बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन टू अचीव देयर गोल और देयर एम इन लाइफ। वी हैव कम्प्लीटेड द 7th वन एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद द 8th वन। नाउ सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। और अब जो है हम ये जब पता है कि हमारे सामने एक ऐसा इंसान जो है म्यूज़िक प्ले कर रहा है जो सुन नहीं सकता, तो हमारे लिए क्या है, सरप्राइज़ है। और डिलाइटफुल इसलिए है क्योंकि बड़ी खुशी होती है एक ऐसे इंसान को देख के जो अपने हार्ड वर्क से इतना ऊपर आया है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलोफॉर्मिक सोसाइटीज़ प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में जो है फिलोफॉर्मिक सोसाइटी जो है उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस देने वालों का जो एक ईयरली अवार्ड दिया जाता है उसमें बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है एवलिन ग्लेनी को दिया गया। से इस मास्टर पर्क्यूशनलिस्ट जेम्स ब्लैड्स, और जेम्स ब्लैड कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। वो कहते हैं कि ईश्वर ने उनकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो ज़रूर उनसे छीन ली थी, बट उनको
क्या किया है, गिवन हर बैग, उसके बदले में उन्हें कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, जो सबके बस की बात नहीं है, वो उनको दिया है. व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और जब वो महसूस करती हैं उन चीज़ों को तो हम जितनी गहराई से सुन नहीं सकते उससे भी डीप वे में वो उसको महसूस करती है, यानी कि वो हमसे भी क्या है, सुपीरियर है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने सुंदर तरीके से प्रजेंट कर पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स. नाइन्थ वन, एवलिन कन्फेसेज दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक. एवलिन कहती है कि मैं जो हूँ काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, यानी कि वो रोक नहीं पाती हैं अपने आप को म्यूज़िक प्ले करने से, या वो म्यूज़िक से दूर ही नहीं पाए हो पाती हैं. पैशन तो है ही उनका, इसके साथ में उन्होंने, हमने उन्हें पहले भी पढ़ा कि उन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लिया है, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ से कैसे दूर हो सकते हैं. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशंस, और आगे वो कहती हैं कि मैं कई बार जो है बहुत, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और कई बार वो वर्क में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग जाती हैं जितना कि क्लासिकल म्यूजिशंस. ऐसा माना जाता है कि क्लासिकल म्यूज़िक जो लोग प्ले करते हैं या जो सिंग करते हैं, उन्हें बड़े हार्ड वर्क की, बड़ी डेडिकेशन की और बड़े रियाज की ज़रूरत होती है. बट यहाँ पर एवलिन कहती है कि मैं तो उनसे भी ज़्यादा हार्डर वे में वर्क करती हूँ, बट द रिवॉर्ड्स आर अनॉर्मस, लेकिन मेरे जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्या हैं, अनॉर्मस हैं, काउंटलेस हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. सो रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो कि ऑब्वियसली वो अपनी अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने खर्चों के लिए जो कॉन्सर्ट करती हैं लोगों के लिए, वो तो करती ही हैं. इसके अलावा वो फ्री में भी कॉन्सर्ट करती हैं प्रिजनर्स के लिए और हॉस्पिटल्स में, यानी कि जेल में और हॉस्पिटल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सर्ट करती हैं लोगों के लिए. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो अपनी प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको टीच करने के लिए, ठीक है. सो शी इज़ अ टीचर ऑल्सो. एनी रक्लैन ऑफ द बीथोवन फंड ऑफ फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एनी रिचलिन है जो कि बीथोवन फंड में एज एन काम करती है, जो कि डीफ चिल्ड्रन के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. वो कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि जो लोग, जो बच्चे जो हैं सुन नहीं सकते, जिनकी हियरिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, उनके लिए वो वाकई में एक इंस्पिरेशन है. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और अब एवलिन के थ्रू वो ये चीज़ देख सकते हैं कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन जो है एवलिन को देखकर डीप बच्चों को मिलती है. एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी कि एवलिन ग्लेनी जो है उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि नॉर्मल पीपल जो कि उसकी एज से दो गुना बड़े हैं, उन्होंने शायद वो सब अचीव नहीं किया हुआ होगा. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट थ्रू द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोंस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने क्या किया है, जो परक्यूशन है उनको ऑर्केस्ट्रा के इन फ्रंट ऑफ, यानी कि ऑर्केस्ट्रा यानी बैंड के सामने भी उन्होंने परफॉर्म किया है, और हम सब के सामने ये चीज़ डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि हम सबको शो की है कि म्यूज़िक जो है वो किसी भी वे में बहुत ज़्यादा आपकी सोल को, आपकी बॉडी को मूव करता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उन्होंने किसको इंस्पायर किया है, उन लोगों को जो किसी ना किसी तरीके से हैंडीकैप्ड है, यानी कि उनके किसी ना किसी बॉडी के किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. पीपल हु लुक टू हर से, वो लोग जो उनकी तरफ देखते हैं फॉर इंस्पिरेशन ऑब्वियसली, इफ़ शी कैन डू इट
कि अगर एवरीन कर सकती है आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने म्यूज़िक के थ्रू जब भी वो कॉन्सर्ट्स करती हैं, जब भी वो परफॉर्म करती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को, मिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनको क्या करती हैं, खुशी देती हैं. ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू का पार्ट था जो कि डेबोरा कार्ली ने लिखा था. देन वी मूव ऑन टू अ क्वेश्चन आंसर. हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी? 16 ईयर्स ओल्ड. व्हेन शी वॉज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस? व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड? सबसे पहले उनको नोटिस किया था उनकी मदर ने, और जब वो ग्रेजुअली उनका जो डीपनेस है वो ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया था. देन आता है आपका 30 to 40 वर्ड्स में. Who helped her to continue with music? Ron Forbes. What did he do and say? वो उन्होंने क्या किया और क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि म्यूज़िक को सुनने के लिए अपनी हियरिंग एड्स की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी बॉडी के थ्रू भी इसको सुन सकते हैं. तो ये वाला जो डी पूरा पार्ट है, आई विल सेंड यू द PDFs, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट. थैंक यू.